നമോ രന്താണം, നമോ ശിദ്ധാണം, നമോ ആര്യാണം, നമോ വജ്രായണം, നമോ ലോയി സവിശാവുനം. മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ, മംഗളം ഗോത്മോഗണി, മംഗളം കുന്ദകുന്ദാദ്യോ ജയൻ ധർമ്മോസ്തു മംഗളം. ശരമംഗൽ മംഗല്യം സർവകല്യാണകാരകം, പ്രധാനം സർവധർമാനാം ജയനം ജയതു ശാസനം. നമ ശ്രീവരിധിമാനായ നിരുദൂത്കലിലാത്മനി സലോകാനാം ത്രിലോകാനാം യദ് വിദ്യാദർപ്പണായ മോക്ഷമാർഗസിനിതാം വിതാരം കർമ്മഭൂവൃതാം ജ്ഞാതാരം വിശ്വതത്വാനാം വന്ദേ തദ്ഗുണലാഭൈ വന്ദേ തദ്ഗുണലാഭൈ ശതീർത്ഥവീര പ്രഭുക ജഗ മേ പ്രവരതേ നിജ തത്വബോധ പാകരി സവലോകെ ഹരഷേ ദുരഭാവിനാനാവേ മന മേ കദാപി നിരവിഘ്ന നിരവികാരി ആരാധിനാ പ്രവരതേ. भगवान महावीर का मंगलकारी जन्म महोत्सव, प्रभुवर की मंगलमयी जयंती का पावन उत्सव आ रहा है। तीनों लोकों में आनंद महोत्सव छाने वाला प्रभु का जन्म महोत्सव, जिसे सर्वे जीव मनाते हैं, सर्वे जीव मनाते हैं, अर्थात मनुष्य त्रियंच और देव, इसके साथ इस खुशी में तो नारकी भी शामिल हो जाते हैं। अर्थात उस समय जब प्रभुवर का जन्म होता है तीर्थंकर प्रभु का, तो नरक में भी कुछ क्षण को साता छा जाती है, और साता में बेदर अनेक द्रव्य आत्मा ज्ञाता को ध्या कर धर्म रूप परिणत हो जाते हैं। तो भगवान का जन्म कल्याणक, हमारी जन्म संतति को मेटने वाला हो। प्रभु कैसे इस जन्म संतति से छूटे, क्या वे भी हमारी तरह ऐसी दशा में थे क्या, उसके लिए आप उनका मंगलकारी पुराण की वाचना करने जा रहे हैं। प्रभुवर का चरित्र हम जैन होकर के भी प्रभु महावीर का सांगो पांग आद्यो पांत क्या जीवन रहा है, क्या चरित्र रहा है, हमको खबर नहीं है। कहीं यहाँ वहां का आधा अधूरा पढ़कर की विसंगतियां ग्रहण करते रहते हैं। अतः श्री उत्तर पुराण, श्री चौबीसी पुराण, श्री महावीर पुराण आदि का आधार लेकर के अपन ये मंगलकारी प्रभु का चरित्र वाचने के लिए जा रहे हैं, और इस चरित्र के द्वारा हम भी भगवान महावीर के समान, प्रभु के समान अपना चरित्र बनाएं, ऐसी पावन भावना के साथ साथ प्रारंभ करते हैं शासन नायक देवादिदेव प्रभु महावीर का मंगलकारी चरित्र। बोलो शासन नायक देवादिदेव महावीर भगवान की जय हो। शासन नायक वीर प्रभु चरणन करो प्रणाम,
चरित आपका मंगलकारी कहूं प्रभो सुखदाम। जैन पुराणों के मंगल में गाथा गाते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आशो जीवन बनी महान। वेदे क्षेत्र पुंडी किणी नगरी धर्मी जन वास करें, मुनिराज सागर सैन के संग तीर्थ यात्रा में भरते। तीर्थों के संग तीर्थ यात्रा अद्भुत दृश्य दिखाती है, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा विदेश क्षेत्र के पुंडरी की नगरी में अनेक धर्मात्मा जन वास करते। पुंडरी की नगरी विदेश क्षेत्र के धर्मात्मा जो आत्मा को धर्मी आत्मा को जानते हैं वे ही वास्तव में धर्मात्मा कहलाते हैं। जिन्हें निश्चय से अपने स्वधर्मी और व्यवहार से साधर्मियों में बड़ा अनुराग होता है, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं निश्चय धर्म का आधार स्वधर्मी है और व्यवहार धर्म के आधार साधर्मी है। वे धर्मात्मा जन अपने स्वधर्मी भगवान आत्मा की मंगल आराधना के लिए तीर्थ वंदना को जा रहे थे, और तीर्थ वंदना को जाते काल विशाल जंगल से बे तीर्थ यात्रियों का धर्मात्माओं का समूह निकला है, और मुनिराज सागर सेन का मंगल उपदेश उनको सुनने को मिला है। और मंगल उपदेश क्या सुनने को मिला है? शुद्ध तुम्हारी शाश्वत तीर्थ श्री गुरुवर दर्शाए, रतनात्र व्यवहार तीर्थ मुनिवर संदेश सुनाए, सेवन करे उसका भव्य तीर्थ कहते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। शुद्धात्मा भाई शाश्वत तीर्थ है, अभेद नैसी जिसमें कोई भेद नहीं है, जिसमें गुण भेद नहीं है, इसमें पर्याय भेद नहीं है, जो अभेद है जो अखंड है, ऐसा अपना भगवान परमानंद की खान परमात्मा तत्व उसे परमात्म तत्व को मुनिराज ने जब दिखाया है, भव्य जनों ने भगवान मुनिराज की मंगल वाणी सुनी है, और ऐसा लगने लगा कि हमें तो तीर्थ के दर्शन हो गए। गुरुवर तो चलते फिरते तीर्थ हैं, और उन्होंने हमें अचल शुद्धात्म तीर्थ दिखा दिया है। श्रावक वृंदों ने निवेदन किया, हे गुरु महाराज, इस मंगल तीर्थ यात्रा में आपका योग बने तो हम धन्य हो जाएंगे, भव्यों के भाग्य से
ऐसा योग बना कि मुनिराज को भी तीर्थ यात्रा का भाव आ गया और मुनिराज भी उस विशाल श्रावकों के समुदाय के साथ तीर्थ वंदना को जा रहे हैं। तीर्थ के संगे तीर्थ यात्रा अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। श्रावक गण तो उन सागर सेन मुनिराज को देख देख करके ज्ञान के सागर भगवान आत्मा को भा रहे थे और वे विचार रहे थे, अहो योगीश्वरी हमारी तीर्थ हैं। बड़ी मर्यादा से भगवंतों के नाम का चिंतन करते हुए उपवास एकासनादिक में प्रवर्तते हुए तीर्थों के लिए जा रहे हैं। उनकी व्यवहार की तीर्थ वंदना भी कैसी अद्भुत आह्लादकारी आनंदमयी होगी, उसको कौन वर्णन कर पाए भाई। मुनिराज सागर सेन जहां जा रहे हैं, ज्ञान के सागर को दिखाने वाली योगीश्वर जा रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं तीर्थ किसका नाम है, तो अभेदने से शुद्धात्मा तीर्थ है और व्यवहार से रत्नात्रय तीर्थ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित भेद कर दिया ना, और जहाँ रत्नात्रय के धारक हैं वे राजते हैं, वो सद्भूत व्यवहार ने से तीर्थ कहलाता है। उस तीर्थ की वंदना के लिए जा रहे हैं। गुरुवर कहते हैं द्रव्य तीर्थ शुद्धात्मा, द्रव्य तीर्थ भेद करें तो द्रव्य तीर्थ, क्षेत्र तीर्थ, काल तीर्थ और भाव तीर्थ। व्यवहार ने से इनका भेद करें तो तीर्थ स्वरूप शुद्धात्मा को ध्याने वाले ऐसे मुनीश्वर आदिक ये द्रव्य तीर्थ हैं। जहाँ वे शुद्धात्मा को ध्याते हैं वो पावन धरती, वो क्षेत्र तीर्थ कहलाती है। वे तिथियां जिन कालों में उन्होंने आत्मा को ध्याया वो काल तीर्थ कहलाती, जैसे पंच कल्याणक तिथियां आदि, अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व, ये दस लक्षण पर्व जो अभी चल रहे हैं ये काल तीर्थ कहलाते हैं। उनके आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चतुर परिणाम प्रकट होते हैं ऐसे रत्नात्रयमयी परिणाम विभाव तीर्थ कहलाते हैं। पर ध्यान रखना शुद्धात्मा शाश्वत तीर्थ है। शुद्धात्मा को जो जानते हैं वे द्रव्य तीर्थ कहलाते हैं, जहाँ जानते हैं वे स्थान क्षेत्र तीर्थ कहलाए, जब जाना तब वो काल तीर्थ कहलाया, और जानकर जो आनंदमय रत्नात्रय भाव प्रकट हुए वो भाव तीर्थ कहलाए। ऐसा तीर्थों का कथन है भाई। वास्तव में तो अभेदने से शुद्धात्मा द्रव्य तीर्थ है, उसके असंख्यात प्रदेश जहाँ तिरने वाले हैं वे तीर्थ क्षेत्र हैं, वो अनादि अनंत उसका प्रभा जानंदपना, वो काल तीर्थ है। और जहाँ ज्ञान दर्शन आदि शुद्धात्मा के भाव हैं वे भाव तीर्थ हैं। ऐसा अद्भुत तीर्थों का वंदना, तो भैया भूल तो नहीं गए कहानी। हाँ, सागर सेन मुनिराज कहाँ जा रहे थे, तीर्थ यात्रा। कौन किस को संघ, विशाल संघ किनका था, पुंडरी की नगरी का श्रावकों का विशाल समूह, और सौभाग्य से उनको सागर सेन मुनिराज का संग मिल गया था। संग वे उन मुनिराज के संग में असंग को भाते हुए, मुनिराज को देख देख कर अपने चैतन्य को भाते हुए जा रहे थे। और क्या होता है, वे कैसे मंगलकारी भक्तियों को तीर्थ बंदीना मंगलकारी, तीर्थ बंदीना आनंदकारी, आनंदकारी मंगलकारी। और मैं मुनिराज
सागर सेन मुनिराज अपने ज्ञान सागर में निमग्न योगीश्वर, कैसे हैं वे योगीश्वर? तो आगे पुराण कारण मुनिराज के अंतरंग परिणति का वर्णन करते लिखते हैं। प्रचुर स्व संवेदन करते श्री गुरुवर सुखदाय, भव्यों को भी देख भावना जागे यही और माय। वी मुनिराज के अंतर्मुखी मुद्रा को देख देख कर, आनंद जराती मुद्रा को देख देख करके ऐसा ही वाव आता था श्रावकों को भी, हम भी कब आत्म ध्यान करें, हम भी कैसी ऐसी धन्य दशा कब प्राप्त करें। विचार करो मुनराज तो अनुबंध और प्रतिबंध से रहित होते हैं, और साथ में जब विहार कर रहे होंगे तब आत्म ध्यान में यदि खड़े हो गए हैं तो श्रावक गण भी उन मुनराज की मुद्रा को देखते हुए ये आकुलता नहीं करते कि अब मुनराज कब जाएंगे जब आगे की तीर्थ यात्रा होगी। अरे वे विचार करते उनकी मुद्रा देख करके, यही तो तीर्थ है और यही तो यात्रा है। वे सब एकटक होकर मुनराज को निहारने लगते थे, मुनराज को देखते देखते अपने शुद्धात्मा को भाने लगते थे। तीर्थ के पहले ही तीर्थ यात्रा तो हो ही गई। अरे उस क्षेत्र तीर्थ में पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए, लेकिन भीतर का तीर्थ तो मिल ही गया था। और ऐसा करते मुनिराज आत्म आराधना में बरतते योगीश्वर, और जा रहे हैं विशाल संघ श्रावकों का है, और जाते हुए क्या होता है। बेसन जंगल माई प्रवेश वो करते हैं, भयानक जंगल, जंगल में मुनराज मिले, और अब ऐसा जंगल लुटेरों का स्थान, भयानक सने सने की आवाजों वाला भीषण जंगल में भाई संग चला गया है। और ऐसे जंगल में चला गया, मार्ग भटक गया कि वहां पर लुभील चोर लटोरों का स्थान, और क्या होता है उन लुटेरों ने श्रावकों का विशाल समूह देखा, अस्त्र शस्त्रों से सजे हुए दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे वे उसे वन में चले गए, जरा से मार्ग को भटके तो उस वन में पहुंचे तो लुटेरे ही लुटेरे दिखने लगे हैं। ऐसी शुद्ध आत्मा से बाहर आएगा, व्यवहार ने से कथन करें तो शुद्ध आत्मा को दिखाने वाले इन भगवंतों से दूर जाएगा तो लुटेरे लुटेरे ही लुटेरे मिलेंगे। इस संसार में तेरे ज्ञान दर्शन आनंद के लुटेरे ही हैं, बचकर रहना भाई। एक भजन सुनाए, रे नारी मीने जरा प्यास गहरी, रे नारी मीन जरा गहरी, चौरे फिरे मछुआरे, रे नारी मीन जरा गहरी। भाव है शब्द वही पढ़ लेना, हमें याद नहीं हो जाता। रे नारी मीन जरा गहरी, बाहर आएगी तो मछली, चारों तरफ मछुआरे जाल बिछाए बैठे हैं। परिणति तू चैतन्य में ही समाई रहना, चैतन्य से बाहर नहीं आना, क्योंकि मछुआरे घूम रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं पटक मत जाना, लुटेरे घूम रहे हैं। वे लुटेरे धन तो लूटेंगे ही, तुम्हें भी लूट लेंगे और तुम्हारी निधि मुनराज भी चले जाएंगे। क्या होता है
लुटेरों के स्थान पर पहुंचे और कोई तलवार कोई लिए श्रावक गणों को लूट लिया लुटेरों ने श्रावक संग को बाई भागे हैं सब सामग्री जो भी उनके पास था सब ले लिया है और कोई श्रावक इस दिशा में चला गया कोई उस दिशा में चला गया कोई इधर चला गया कोई उधर भाग गया लेकिन मुनि भगवान भीतर चैतन्य में चले गए सभी नाना दिशाओं में जाते देते दिखाई भी कोई इधर कोई वहां आओ मुनिराज तो यहां वहां कहीं नहीं गए जहां थे भाई अपने चिदानंद द्रव में रम गए मुनिवर तो निज चैतन्य देश में जाकर राजते हैं महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं सुनो जी मंगल जैन पुरा याशु जीवन बनी महान निज स्वरूप गुप्त मुनि सर नाई कृखे का प्रवेश गुणे गुणी का गुणी गुणी के विकल्प का भी नाई जा प्रवेश ऐसे अवेदे चैतन्य किला में मुनिवर राजते हैं ऐसे अवेदे चैतन्य किला में गुरुवर छिपते हैं महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं सुनो जी मंगल जैन पुरा या सो जीवन बनी महान श्रावक गण दसो दिशाओं में कहीं कहीं चले गए मुनिराज सागर सेन जहां पर आए खड़े थे वहीं पर अपने चिदानंद घन भगवान आत्मा में रम गए लुटेरे सबको लूटने लगे जिनके पास कुछ था ये लुटेरे कुछ कोई लूटते हैं पर जिनके पास सब कुछ है आत्मनिधि है उनके पास तो आते ही नहीं कर्म रूपी लुटेरे भी उसी के पास आएंगे जिसके पास कुछ होगा मतलब जो अपने को कुछ मानेगा जो अपने को कुछ मानेगा तो उसके पास राग मोह द्वेष होंगे होंगे वहीं कर्म लुटेरे आएंगे मुनिराज तो अपने चैतन्य में चले गए और वे लुटेरे अपनी अपनी दिशाओं में भाग गए हैं पर मुनिराज का किला कैसा था पुराणकार कहते हैं वहां पर कर्म नो कर्म का प्रवेश तो है ही नहीं है वहां पर राग का प्रवेश नहीं है गुण गुणी के भेदों का भी प्रवेश नहीं है निज प्रदेश रूपी किला जो कभी ना किसी से विधाय कर्मी राग आदि वीर तिवार पेट पावे कदापि नंदर अंतरंग में सहजे अविकारी आज अद्भुति छवि निज निहारी मुनिराज वैसे चैतन्य भगवान चिदानंद द्रव्य में छुप जाते हैं सहज ज्ञान रूपी गढ़ ये ज्ञानियों का अभेद किला है चक्रवर्ती का किला में भी कर्म शत्रु प्रवेश कर जाता है मौत प्रवेश कर जाएगी पर चैतन्य का किला ऐसा है
वहां किसी का प्रवेश नहीं होता है। और क्या होता है, मुनिराज अपने चैतन्य में राज रहे हैं और उसी समय ध्यान टूटा हो देता, एको शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ चिदानंद मैं परमेश्वर हूँ, ऐसे अपने परमात्मा के ध्यान में खड़े थे। कौन खड़े थे भैया, कहानी भूल गए, सागर सेन मुनिराज। बहुत अच्छा, किनके संग जा रहे थे, पुंडरी की नगरी का। हाँ बहुत अच्छा, पुंडरी की नगरी के श्रावकों का समूह तीर्थ यात्रा को जा रहा था, सहज में मुनिराज का योग बन गया था। देखो बिछड़ गया संग, ऐसे ये भव्य कब आकर एक कर्म बिछड़वा दे, कहाँ पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, उसके पहले चैतन्य में पहुंच जाओ। अपन ही सोचते हैं इनके संग वहां जाएंगे, वहां करेंगे, ये करेंगे ये करेंगे, अरे वो तो सऊदियाधीन है। ये जो बता रहे हैं मुनिराज, बार बार बता रहे थे ना, तेरा शुद्धात्मा ही तीर्थ है तू उसमें चला जा, तेरा शुद्धात्मा ही तीर्थ है तू उसमें चला जा। जो चले गए उनकी तीर्थ यात्रा हो गई, और जो सोच रहे थे वहां जाकर तीर्थ वंदना करेंगे, उनको तो लूट लिया, उनकी भावना लूट गई। अतः ये आत्मन वे जो भार के भोग विषय भी तो सऊदियाधीन है, परंतु ये व्यवहार क्षेत्रों का मिलना ये भी सब उदयाधीन है, पुण्याधीन है। परंतु परमार्थ तीर्थ शुद्धात्मा, उसके लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं है, वो तेरे अधीन है, स्वाधीन है। सहज ज्ञान में सहज पने उसके दर्शन होते हैं। मुनिराज सागर सेन आत्म ध्यान के उपरांत जो शुरू से बाहर आए हैं, तो भयानक जंगल था, अब मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान टूटा श्री मुनिवर का मार्ग ना होने दिखाए, जंगल से बाहर जाने का ना मार्ग वो पाए। लुटेरे भीलों का जंगल, उससे आगे कहाँ जाए, वो मार्ग दिखाए, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। आपको पता है मुनिराज रहते तो जंगल में ही है, कोई नगर में रहते हो ऐसा नहीं, परंतु ऐसे गहरे जंगलों में भी रहते हैं, लेकिन वहां से निकट के नगर जहां पर थोड़ी दूर पर कुछ दूरों पर जाकर नगर रहते हैं, तो नगर में हार चरिया ही तू जाते हैं। अतः जंगलों में तो फिर उपवास आदि का ही प्रसंग रहता है, जब गहरे जंगलों में रहते हैं मास उपवास योग मुनिराज प्रतिज्ञा कर लेते हैं, तो फिर उस गहन विपिन गहन विपिन में जाकर के ध्यान करते हैं। लेकिन वहां से भी जब हार की बेला का प्रसंग, हार विकल्प आता है, तब कोई आसपास निकट नगरों में गांवों में जाकर के हार आदि लेते हैं, तो मुनिराज को उस जंगल से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया। लेकिन मुनिराज जंगल में हैं, भयानक जंगल में हैं, मार्ग नहीं मिल रहा ऐसे जंगल में हैं, ये तो कथा से समझ में, बाहर से देख रहे हैं, अरे मुनिराज को तो मार्ग मिल गया है, मुनिराज जंगल में रहते हैं, ये तो व्यवहार का कथन है, मुनिराज तो मंगल में अपने चैतन्य में रहते हैं, ये परमार्थ कथन है। बन बसे व्यवहार कह तो है, निज में निवसन आरे हैं, धन मुनिराज हमारे।
धनी मुनिराज हमारे हैं, धनी मुनिराज हमारे हैं। जाओ बाहर का मार्ग दिखाई नहीं दिया, तब भीतर का मार्ग तो सदा दिखता है मुनिराज को। अपने सहज ज्ञान में सहज ज्ञाता को तो वो सदा ही बातें हैं। पर्यंतर में जाने का मार्ग प्रत्यक्ष लगते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आशो जीवन बने महान। और मुनिराज अंदर का मार्ग देख करके ध्यानास्त हो जाते हैं। अंदर में सदा ज्ञानमय आनंदमय सुखमय प्रभुतामय अपना चैतन्य भगवान सदा राज रहा है। मुनराज अपने चिदानंद घन परमेश्वर में निमग्न हो जाते हैं। और क्या होता है, नहीं दिखा मार्ग तो ध्यानारूढ़ हो गए। प्रचर स्व संवेदन करते परमानंद जरा रहे। चलने का मार्ग है नहीं, अचल रहने का मार्ग है। बोलने का मार्ग नहीं, मौन हो स्वरूप साधने का मार्ग है। हार का मार्ग नहीं, अनहारी का मार्ग है। सौम्य बरतने का मार्ग नहीं, स्वासो भावों से पार शुद्धोपयोगी रहने का मार्ग है। ये तो मार्ग सदा ही मुनिराज के साथ था। अतः मुनिराज अपने ध्येय स्वरूप परमात्म तत्व में मग्न होकर के अपने चिदानंद द्रव्य को ध्याने लगे हैं। बोलो सागर सेन महा मुनिराज की जय हो। भव्यो जो नहीं मिला है उसके विकल्प में जो मिला है उसको काय को छोड़ते हो। जो सदा हमारे साथ है सहज है, इसलिए तो श्रद्धे बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन जिन्हें हम आदर से बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, ओ उनके मांगलिक पाठ में आता है, करिमोदय की सर्व व्यवस्था जानो उदयाधीन है, किंतु आत्म कल्याणी आत्मन सहज सदा स्वाधीन है। मुनिराज ध्यान में मग्न थे, तभी क्या होता है, प्रचुर स्व संवेदन करते परमानंद जरा रहे। धनुष बाण लिए प्रोरवा भील एक आता दिखाते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियाशो जीवन बने मान। प्रजोरवा बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय हो। भगवान के मंगलकारी जन्म महोत्सव की जय हो। पुरुरवा प्रभु महावीर का जीव का एक भी भगवान कहते हैं, तुम्हें भील दिख रहा है लेकिन प्रभु तो कहते हैं भाई भील नहीं है, भाई विप्र नहीं, वह वैश्य नहीं, वह क्षत्रिय नहीं, वह शूद्र नहीं, वह तो ज्ञायक है, चेतन है, परमेश्वर है। क्रूर भील वन पशुओं का घात करने वाला,
और हिंसा करता था तो दुख को वेदने वाला भाई पाप का और दुख का बोलो न्याय की भाषा अविनाभाव संबंध है। जहां पाप होगा वहां दुख होगा भाई। बेल जंगल का राजा कहलाता था, बीलों का राजा भाई। न जाने कौन कौन से राजा बनने की कोशिश की है तूने, पर बने बनाए जीव राजा को नहीं जाना। अरे त्रिलोक के राजा, त्रिलोक के नाथ, त्रिलोक के अधिपति, जिन राजा भी जिन राज भी जिस जीव राज की महिमा करते हैं, वो जीव राज अद्भुत है, वो तू है। तो प्रोरवा शिकारी धनुष बाण लिए, जिसका रूप देख करके वन पशु कांप जाते थे। सामान्य रायगीर देखते ही कांप जाते थे। लूटपाट करना, जीवों का घात करना, बस इसी में लगा रहता था वो। और क्या होता है, था बीलों का राजा पर रहता था नित दुखी। पापों में बरतने वाले कैसे रह सकते हैं सुखी। अतः त्यागो पाप में वृत्ति, गुरुवर कहते हैं। महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। और क्या करता है वह बिल राजा, जंगल में आया है। ध्यानस्थ मुनिराज दूर से राज रहे हैं और उसने दूर से ही देखा है। समझे रण मुनिवर पर बाण चलाना चाहे। मुनिराज को हिरण जानकर, पन्न पशु जान करके और धनुष पर बाण चढ़ाया है और चलाने को उद्यत हो रहा है। तभी कुछ भली होनार थी, अच्छे दिन आने वाले थे कुछ समय के लिए। तब रुक गया, रोक लिया गया किसी ने। अरे आपको कोई पाप करते रोक ले तो यह समझ लेना कि उसने आपको नरक के गड्ढे से रोक लिया है। शिकारी पत्नी ने कहा तो कोई बन देवता लगे सुकुदाय, नहीं बाण चलाओ इन पर तुम सो प्रार्थना करते हैं। महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। स्वामी 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 चीख मारती हुई बहन पील की पत्नी आई है और खड़ी हो गई धनुष के सामने, हाथ जोड़ लिए। हे नाथ, हे आप क्या करने जा रहे हो? अरे मुझे मुश्किल से शिकार मिला है, तू क्यों बीच में खड़ी हो गई? हे नाथ, मैं हाथ जोड़ रही हूं, आपसे प्रार्थना कर रही हूं, ये शिकार नहीं है, ये पशु नहीं है। अगर हम अपनी भाषा बोलें वो तो क्या बोल पाए, ये सबकी पशुता छुड़ाने वाले हैं, पशु तो हम हैं। अरे अज्ञानी को पशु कहा है? महाराज स्वामी, ये तो कोई देव लगते हैं, देवता लगते हैं, ये तो कोई वन देवता है। हे नाथ, इन पे बाण न चलाओ, इन पे बाण चला करके अपने लिए आपत्ति मत लाओ नाथ, ये कोई देवता है, इनकी वंदना करो, इनकी पूजा करो। भील की पत्नी जब ऐसा कहने लगी
तब क्या होता है? बलि थी ओनार सो शिक्षा लगी उसे सुखदाय। होनार बलि थी अन्यथा ये भी कहने लगता मेरे से जाना तुम जानती हो क्या? रोजाना शिकार करने वाला मैं और मैं नहीं जान पाऊंगा। धक्का मार के पत्नी को हटा भी सकता था लेकिन अच्छा अवसर आने वाला था, इसीलिए उसको वो शिक्षा अच्छी लगी। समझ लो हमें अच्छी बात अच्छी लगे तो दिन हमारे अच्छे आ गए। कोई हमें पाप करता हुआ रोके और हमें हम रुक जाएं, समझ लेना अब कोई अच्छे दिन आ गए। बिल ने धनुषबाण एक तरफ किया और चल दिया है तारक योगीश्वर के चरणों की ओर। गुर निकट जा मुनिवर के चरणन में नमन किया सुखदाय। मुनि राजो की महिमा अपार रे, ऋषि राजो की महिमा अपार रे, मुनि राजो की महिमा अपार रे, ऋषि राजो की महिमा अपार रे। गुरुवर सुखियों ने का मार्ग प्रार्थना कर रहा है हाथ जोड़ करके भाई बिल, हे गुरु महाराज हमें कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे जीवन में विपदाएं ना आए, दुख ना आए। हे देव आपके दर्शन बड़े भाग्य से मिले, हमें सुखी होने का मार्ग बताओ। गुरु महाराज इतना कुछ करता हूं तो भी मेरी जीविका नहीं चल पाती है, भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है। राजा कहलाता हूं सबका लेकिन महाराज मेरे पास तो कोई धन वैभव नहीं रहता है विशेष, लूटपाट करता रहता हूं, बहुत कमाता हूं, पता नहीं कहां चला जाता है, मैं आकुलित होता रहता हूं। महाराज कहने लगे बाबिया ये पाप का पाप के साथ चला जाएगा, पा तेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। ये पाप की लक्ष्मी, ये पाप की कमाई, ये पाप से किए गए इकट्ठा की हुई जितना भी है वो तुझे ना तो समृद्ध करेगी और ना सुखी करेगी, तू शांति से नहीं रह पाएगा भव्य। अशांति के कारण को तू छोड़। क्या कह रहे हैं मुनिराज? हे भव्य पापों का त्याग करो, दुख स्वयं चले जाए, शिकार छोड़े धारणी करो, अहिंसा व्रत सुखदाय। हो प्रसन्न पत्नी सहित व्रतों को धारते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा ऐसो जीवन बने महान। पाप को आप छोड़ो, दुख अपने आप छूट जाएगा, धर्म को आप ग्रहण करो, सुख अपने आप आ जाएगा। पाप से जीव दुखी होता है, धर्म से जीव सुख को प्राप्त होता है, पाप से जीव निंदनीय होता है, पुण्य से जीव प्रशंसनीय होता है, धर्म से जीव पूजनीय होता है। पाप अपने लिए दुख का कारण है, दूसरों को
दुख में निमित्त है। पाप को छिपाने का नहीं मिटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पाप को मिटाने के लिए आप स्वरूप भगवान पंच परमेष्टि की शरण लेना चाहिए। पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए अपने परम पार नामक भाव ज्ञायक भाव की शरण लेना चाहिए। पाप को छोड़े बिना सुख शांति मिलने वाली नहीं है। भव्य जे जीवों की तू विराधना करता है तो हिंसा करता है, उनकी हिंसा नहीं तू अपनी परिणाम की हिंसा करता है, तू अपना घात करता है, तू अपने लिए नरक बुला रहा है। भव्य इस सब का जो बना हुआ कर्म है वो तुझे नरक ले जाएगा, एक बूंद वहां तुझे प्यान ही नहीं मिलेगा। तीन लोक का नाच जुखाए मिटे न भूख कणा न लाए। इतनी भूख लगेगी कि तीन लोक का नाच खा जाए तो भी तुझको एक कण भी नहीं मिलेगा। ऐसी भयानक दशा, ये सब तेरी जो दुर्दशा हो रही है वो पाप के कारण से है। तब मुनिराज ने जब हिंसा कम, महाराज बस बस स्वामी आपने मुझे बचा लिया, आप मुझे बचाने आए थे जंगल में, महाराज आप नहीं मार्ग भटके, मार्ग मैं भटका था और मुझ भटके को मार्ग दिखाने वाले आप महात्मा आए थे। हे गुरु महाराज आज से हम प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं, हम मतलब पत्नी सहित, कि इस प्रकार की किसी जीव की विराधना अब नहीं करेंगे, किसी जीव का घात नहीं करेंगे और अहिंसा व्रत को स्थूल अहिंसा व्रत ग्रहण कर लिया। पंच नमस्कार मंत्र को ग्रहण किया है मुनिराज के प्रताप से और बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ी शांति का अनुभव कर रहा था व्रत को ग्रहण करके। तो फिर मुनिराज से जब विहार किया, भव्य ये जंगल का मार्ग का हम पता नहीं चल पा रहा आगे कहाँ का मार्ग है, हे गुरु महाराज चलो मैं आपकी भक्ति पूर्वक मार्ग दिखाऊं। आगे आगे जा रहा है, कह रहा है प्रभो आपने तो मुझे भव वन से निकलने का मार्ग दिखा दिया, मैं आपको क्या मार्ग दिखाऊं, आपने मुझे संसार से निकाल लिया। भक्ति करता हुआ मुनिराज के साथ में जा रहा है, अहिंसा व्रत को धारण कर लिया है। बोले देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। पंच नमस्कार महामंत्र ग्रहण किया है और मुनिराज को साथ में जा रहा है। आगे क्या होता है, करके भक्ति श्री गुरुवर की और माई अरसाया, भक्ति पूर्वक मुनिवर को रास्ता दिखलाया। गुरु महाराज मुझे मार्ग दिखाते रहना, मेरे हृदय में बसे रहना, हृदय में विराजो श्री मुनिराज, हृदय में विराजो श्री महाराज, श्री मुनिराज श्री महाराज मेरे और मैं रहना, श्री मुनिराज मेरे और मैं रहना, श्री महाराज। और क्या होता है, भक्ति पूर्वक मुनिवर को रास्ता दिखलाया, साथ गया छोड़ने पुण्य की वृद्धि दिखाते हैं। और क्या कह रहा था वह, प्रभो आपने भवन से निकसन का मार्ग दिखाया, मैंने नहीं आपने मुझे शुभ मार्ग बताया, जीवन पर्यंत आप कनियम हम भक्ति सुधारते हैं,
महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा न्यासो जीवन बनी महान। मुनिराज तो चले गए मार्ग दिखा करके, और वही अंतर का मार्ग दिखा कर चले गए हैं, और उसने अहिंसामयी मार्ग देख लिया। अब तो लूट पाट बंद कर दी, वन पशुओं की भी रक्षा करने लगा। वन के पशु भी को जहां उसे देखकर भागते थे, आज बड़े अति स्नेह से उन वन पशुओं को वही स्नेह देता और अनेक वन पशुओं की रक्षा करता और बार बार याद करता, आज मेरे जीवन में कैसी शांति है। जब से वे शांत मुद्रा धारी साधु महाराज के दर्शन भए, अब तो अद्भुत शांति है। धन्य है जैन शासन, धन्य है जैन मुनि, धन्य है जैन धर्म। अहो मुझे अब जैन धर्म ही मिले, जिन कुल ही मिले, मुझे बस जिन शासन ही मिलता रहे, ऐसी भावना बह रहा है भाई। और व्रत नियमों को पालता जा रहा है और बड़ा प्रसन्न रहने लगा भाई। संयम से, नियम से, तप से, इनसे आप अपनी प्रसन्नता को वृंदिंगत करोगे। जो धर्म को धारण करता है वह सुख को धारण करता है। गुरुओं के द्वारा दिया गया, जो बताया गया, जो वस्तु स्वरूप है भाई वास्तव में धर्म है। और आगे क्या करता वह भील। लूट पाट कर दीवन सबका उपकारी था हुआ, अहिंसा व्रत को का पालता प्रसन्न था हुआ। और उसके उपरांत जीवन पर्यंत धर्म आराधना करके अंतिम समय में देह को छोड़े स्वधर्म स्वर्ग में जन्म दिखाते हैं। महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। मंगल जैन पुरा न्यासो जीवन बनी मान। स्वधर्म स्वर्ग उसमें देव रूप में देव पर्याय पाई है, रत्न जड़ित विमान, चार ओर दा विशाल देवों का समूह, देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं, स्वामी स्वामी कह के पुकार रही हैं। ये वैभव मैंने कहां से पाया। अंतिम समय में जब जीवन भर हिंसा व्रत को पाला था, और मैंने अंतिम समय में नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोई सभ्यशाऊनम, इस महामंत्र को उच्चारण करते हुए भाते हुए मुनराज की भक्ति करते हुए मैंने देह छोड़ा था, छोड़ी थी, और अहिंसा आदि व्रत को पालन किया था, उसी का ये फल आया है। क्या होता है और वहां पर कैसा रहा वह। दो सागरोपम देवी ये सुख भय तो भोगरा, पर सुख तो अंतर माई है गुरुवर ने ये ही कहा। भाई अभी उस पुण्य के फल में स्वर्ग का सुख तो मिल गया है, परंतु जब धर्म परिणति बनाएगा वही जीव प्रभु महावीर का, तब वास्तविक सुख का वेदन करेगा, क्योंकि ये सुख सुख नहीं है। ये सुख तो आचार्य महाराज ऐसे कहते हैं जैसे किसी पर खोलता हुआ घी डाल दिया जाए, ऐसा ये इंद्रियों का सुख है, स्वर्ग का सुख है। दो साग
वहां से च्युत हो भरत क्षेत्र में जन्म दिखाते हैं। महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। बांसी आयु पूर्ण करके भरत क्षेत्र में मां जम्बूदीप भरत क्षेत्र अयोध्या नगरी। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। प्रभु आदिश्वर उनके पुत्र भरत का पुत्र हुआ है और खुशियां चाह रही हो। तीर्थंकर का कुल मिल गया। तीर्थंकर के कुल से भगवंतों के कुल में चली आई। उस अहिंसा का पालन किया तो तीर्थंकरों का कुल मिल गया। आज्ञा मानी भगवंतों की तो भगवंतों का कुल पा गया। और अब इस भव में देखना जब उस कुल से दूर जाएंगे तब निगोद आएगा कालांतर में। इसलिए भव्य भगवान के चरित्र से शिक्षा लेते रहना कि तीर्थंकर बनने वाला द्रव्य जीव भी विराद ना करता है तो दुख पाता है। पाप के फल में नरक अधिक जाएगा, पुण्य के फल में स्वर्ग और तीर्थंकर का कुल मिला है और धर्म के फल में सिद्धों का कुल मिलेगा। और वही में मिथ्या सेवन करेगा तो निगोद जाएगा। जैसा तेरा परिणाम होता है वैसी तू दशा को प्राप्त करेगा। भगवान कहते हैं तेरा परिणाम ही वर्तमान का परिणाम ही भविष्य का निर्माता है, भाग्य विधाता है। और क्या होता है, प्रभु आदि सर के पुत्र भरत का पुत्र हुआ वाये। आदि सर की गोद माई भय खेल रावाई। कैसा पुण्य आया, तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ की गोदी में है वो। अप्पा सो परम अप्पा के प्रभु ने ये जराते हैं। महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियाशो जीवन बनी महान। भगवान आदिनाथ यानी राज अवस्था में थे। पुराणों की शैली में भगवान कहने का ही कथन है। अतः ऐसा वचन भले हम बोले आप नए प्रमाण से स्वीकार करना। राजा ऋषभ देव गोदी में लिए हुए हैं और अपने पोते को रखे हैं। एक प्रथम तीर्थंकर, एक चौबीसवें तीर्थंकर, एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर को रखे हैं। क्या अद्भुत दृश्य होगा। और वही ने कर रहे हैं, दुनिये से क्या सिखा रहे हैं। आता माई परिमाती माँ वो बाबे और मैं भाविना, मैं तू से दे दशा को पाविना, परमानंद को पाविना, तू ज्ञानी में आनंद में, तू ज्ञानी में आनंद में, परमानंद में त्राप्ति में, चेद गाने चेदानंद भावना, भुभव्यातम ध्याविना। गोदी में है मारीची कुमार, नाम इस भव में रखा है मारीची। अतीने ये सों अतीने ये प्रभु सो करता छोड़ना नाई चाहिए। अत्यंत स्नेह प्रभु आदि प्रभु को भी आदिश्वर ऋषभ राजा ऋषभ देव को यानी
भावी भगवान आदिनाथ को अपने पौत्र पुत्र नहीं पौत्र मारीची से अति नेह था, और मारीची को भी अति नेह अपने दादाजी था, छोड़ना नहीं चाहता था। भाई तीर्थंकर की भी गोदी मिल जाए लेकिन चैतन्य नहीं मिला तो भटकना होगा। अतः मात्र प्रशस्त संयोगों को मैं कोई पाकर कृत कृत मोह जाना इष्ट मत समझना, वो जिसको भा रहे हैं उसमें चले जाना तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार से मारीचि कुमार युवावय में प्रवेश कर गया है और एक बार चैत कृष्णा नवमी का दिवस था, प्रभु आदिनाथ का जन्म महोत्सव का दिन था। नीलांजना नृत्य कर रही थी, सवा लगी हुई थी, नृत्य करते करते उसकी आयु पूर्ण हो गई है। दूसरी नीलांजना नाचने लगी, सभा का कोई लोग देख नहीं पाए हैं पर सूक्ष्म दृष्टि प्रभु प्रभु से वह छुप नहीं पाई, और देख करके अंतर में प्रभु विचारने लगे हैं, अरे ये नित्य करते करते ही मरण को प्राप्त हो गई, ऐसा प्रत्येक जगत का प्राणी विषय में नाचता नाचता ही चला जाता है। मैं भी यहाँ अपना कार्य करने आया था, इतना समय हो गया इस राज्य अवस्था में, धिक्कार इन विषयन को, मरते मरते भी जिसको नाचना पड़ रहा है, धिक्कार ऐसे संसार को, और अंदर में प्रभु वैराग्य भावनाएं भाने लगे हैं। वैराग्य भावना भाकर निर्जन वन की ओर जाने की तैयारी चल रही है, कैसी वैराग्य भावना भाएंगे और किस प्रकार से दीक्षा लेंगे, मारीचि कुमार जी कैसा अनुसरण करेंगे, क्या होगा कथा में आगे, प्रभु महावीर के मंगल चरित्र का द्वितीय दिवस अपन वाचना करेंगे। अभी का समय हो गया है प्रभु के चरित्र का मंगल श्रवण करने के लिए, आप पधारते रहना, समय का विशेष ध्यान रखना भाई, क्योंकि समय सार के आराधक समय के विराधक कैसे हो सकते हैं। आज की कथा पुरुर्वा का भव, सौधर्म स्वर्ग का भव और मारीचि कुमार का भव तक आ गई है। शेष कथा अपन आगे बांचेंगे, प्रभु के जन्म कल्याणक तक हमें कम से कम जन्म दिवस तक तो कथा पहुंची जाए। शासन नायक देवादिदेव महावीर भगवान की जय।